नमस्कार, आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ आरती गहलोत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सिरोही उच्च न्यायालय और राजस्थान राज्य विधि सेवा प्राधिकरण के आदेशों और निर्देशों की अनुपालन में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में राष्ट्रीय बालिका दिवस पर संगोष्ठी हुई है। संस्था प्रधान हीरा खत्री और व्यवस्था संयोगी गोपाल सिंह राव के अनुसार कार्यक्रम में सचिव जिला विधिवक सेवा प्राधिकरण सिरोही जयमाला पानीनगर, न्यायिक मजिस्ट्रेट पुलकित शर्मा, प्रशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट पीयूष मैटिया का आदित्य रहा है। वहीं राष्ट्रीय बालिका दिवस के एक दिन पूर्व आयोजित इस समारोह में व्यवस्था संयोगी गोपाल सिंह राव ने बालिकाओं के कानून अधिकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ विषय पर प्रकाश डाला है। वहीं न्यायिक मजिस्ट्रेट पुलकित शर्मा ने साइबर क्राइम, बाल श्रम, बाल तस्करी, बाल विवाह विषयों पर बालिकाओं का मार्गदर्शन किया। 1991 की जनगणना में बाल लिंग अनुपात था वो 1000 के पीछे 945 के लगभग था, लेकिन जैसे जैसे साक्षरता की दर बढ़ती गई, लोग शिक्षित होते गए, संस्कारों से दूर होते गए। उसके बाद में जैसे ही सोनोग्राफी मशीन का आविष्कार हुआ तो लिंगानुपात है वो और डराने वाला आ गया। 2011 में बाल लिंगानुपात है वो 914 और 18 के बीच में आ गया। यानी जैसे जैसे हम वहाँ मैं बच्चों से डील जब करती हूँ, जब मैं बच्चों से पूछती हूँ कि आपने ये क्यों किया, तो वो ये कहते हैं कि सर मैंने पूछा, एक दो बच्चे थे वहाँ पे, मैंने उससे पूछा क्या हुआ, आपने क्या किया, मैंने कहा फुल मर्डर किया हुआ, मैंने उसको इतना मारा पत्थर से, ऐसी जोर से सिर पे मारा, मारता गया और वो आखिरकार मर गया। तो ये है फुल मर्डर। सिरोही से हितेश कुमार जोशी की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे की और खबरों को जानने के लिए आप देखते रहे आज तक 24 न्यूज़।